इसीलिए आवश्यक विषय के ऊपर ज्ञान ग्रहण करने की हम कोशिश करेंगे। आज का जो विषय है सहज आरोग्य से जुड़ा है, रोग प्रतिरोध शक्ति से। अभी हम सबसे पहले कुछ ही क्षणों में अमरावती जाएंगे, जहां पर डॉक्टर प्रताप उधवानी जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पिछले लगभग 26 साल से भी अधिक काल से सहयोग से जुड़े हैं, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। सहयोग में अपनी संपूर्ण योगदान देते हुए हर कार्य में लगे रहते हैं। लॉकडाउन के पहले जहां कहीं भी भारत में सहयोग के विषय पर कोई भी कार्य हो, सेमिनार हो, हमेशा तत्परता से वहां पर दौड़े चले जाते हैं। डॉक्टर उधवानी जी महाराष्ट्र और गोवा को नेशनल सहयोग के प्रतिनिधि के रूप में, ट्रस्टी के रूप में कार्यरत है, और यह हमारा सौभाग्य है कि वो हमेशा सहज के कार्य के लिए समय देने में उतने ही तत्पर और उत्सुक रहते हैं। डॉक्टर साहब अमरावती के अपने हॉस्पिटल में मौजूद हैं, डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब को स्क्रीन पे लिया जाए। डॉक्टर साहब यू आर ऑन स्क्रीन, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। पहला सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कोरोना से शुरुआत के दिनों में शरीर में क्या लक्षण दिखाई दिए जाते हैं? बहुत बार ये होता है कि हमारे शरीर में कुछ बदलाव आते हैं लेकिन हमें समझता नहीं है कि क्या ये आगे चल के कोरोना की ओर लेके जाएगा, और एक सहयोगी होते हैं तो हमें लगता है कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, और इसकी वजह से थोड़ी सी सतर्कता ढीली पड़ जाती है और समय हाथ से निकल जाता है। तो कृपया सर आप सहयोगियों के पॉइंट से बताएं कि ये शुरुआत के दिनों में हमें शरीर में क्या लक्षण दिखाए जाते हैं जिससे हम तुरंत इस वायरस को पहचान पाए। डॉक्टर उधवानी जी। बिल्कुल सही बात है कि अगर मैं कहूं कि कोरोना का कोई धर्म ईमान नहीं है तो भी चलेगा, कि वो किस तरीके से प्रेजेंट करेगा। बहुत बहुत मैंने एज ए डॉक्टर बहुत सारे प्रेजेंटेशन देखे इसमें, और ऐसे मेडिकली अगर कहा जाए तो 85% लोगों में तो उसका कुछ पता नहीं चलता खास, ना ही उनको कुछ भी एहसास होता है, और आके चला भी जाता है। अभी भी हम में से कई लोगों में आके चला भी गया होगा तो वो नहीं जान पाएंगे, लेकिन जो बाकी 15% है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि परसेंटेज की बात हम भले ही स्टैटिस्टिकली करते हैं या कैसा भी, लेकिन अगर मुझे हो गया तो हर एक आदमी को यह सोचना चाहिए कि अगर उसके लिए परसेंटेज की बात कितनी भी की जाए, लेकिन अगर किसी को भी हो गया खुदा न खासा, तो वो एक आदमी को भी हुआ तो उसके लिए तो 100% हो जाएगा। लेकिन जो जैसा कि पूछा गया कि प्रेजेंटेशन, तो अगर बहुत सारे प्रेजेंटेशन में जो मैक्सिमम प्रेजेंटेशन है तो वो ऐसा है कि हाई ग्रेड फीवर आता है, और अधिकतर लोगों में ऐसा रहा कि केवल दो दिन फीवर आके आए और चला गया। उसके बाद 8-10 दिन तक उसको बहुत भयंकर वीकनेस रहती है, बहुत कमजोरी, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा वो पड़ा रहेगा और कुछ ये नहीं रहेगा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, भूख नहीं लगेगी, और टेस्ट का पता नहीं चलेगा, बहुत बार टेस्ट का पता नहीं चलेगा, स्मेल का पता नहीं चलेगा। लेकिन वही बात कही गई कि ऐसा 100% हर चीज हर सिम्टम सब में आएगा ऐसा भी नहीं है, लेकिन इनमें से ऐसा कुछ वीकनेस और फीवर, और किसी किसी में कंटिन्यूस फीवर, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ऑर्डिनरी ड्रग्स, जो हमारे रोज की मेडिसिन है वो नहीं है, ऑर्डिनरी रिपोर्ट्स कराओ वो सब नॉर्मल निकलती हैं, जो हम नॉर्मल एक फीवर के पेशेंट में कराते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बॉडी एक कमजोरी
और कुछ काम करने की इच्छा न होना, और बहुत सारे लोगों में गले का इंफेक्शन, खांसी खांसी और गला लाल हो जाना, निगलने में त्रास होना, और उसके बाद जो 15% बताए गए कि जिनमें थोड़ा सा सीवियर फॉर्म करता है, तो जो बहुत महत्वपूर्ण एक सिम्टम है वो है दम लगना। जैसे वो सबसे खराब, क्योंकि ये बहुत सारी सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है उसका लंग्स को इन्वॉल्व करना। तो लंग्स को जब इन्वॉल्व करता है तब वो दम दमे के रूप में चलने में सांस फूलती है, थोड़ा सा भी काम करा तो सांस फूलती है, सीढ़ी चढ़ने में सांस फूलती है, तो इस तरीके से प्रेजेंट करता है। तो ये इनमें से कोई भी चीज अगर हमें भगवान के कृपा से, शिव माता की कृपा से, अभी ये सब चीजें कम हो रही है, विरुलेंस जो उसकी मारक क्षमता है वो थोड़ी कम हो रही है अभी, लेकिन फिर भी अभी भी वो पूरा गया नहीं है, तो ये सब चीजें हमें जाननी चाहिए कि इस तरीके से वो प्रेजेंट कर सकता है हमारे अंदर, अगर किसी को हुआ तो। बाकी जैसा कि कहा आपने, कहा कि हम सोचते हैं कि सहयोगी हैं तो हमें कुछ नहीं होता है, ये भी थोड़ा सा गलतफहमी है, क्योंकि आखिरकार ये हमारा एक शरीर है। और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि स्वयं श्री माता जी सब साकार रूप में थे, हमें आशीर्वादित तो उन्होंने किया, एज ए डॉक्टर उन्होंने बुलाया हमें वहां पर दो बार, मुझे पंसारे सर को, ऐसे कोई भी फॉरेन के भी डॉक्टर्स रहते थे। तो श्री माता जी यही चीज हमको दिखाते थे, यहाँ जैसे जो भी हम डॉक्टर्स उनको एडवाइस करते, जरूरत पड़ने पर कोई दवाई प्रिस्क्राइब करते, जो टेस्ट करते वो कराते थे। तो ये अल्टीमेट शरीर है, और वो तो शिव माता, साक्षात शिव माता, हम सब तो इंसान है, और ऐसा कोई नहीं कह सकता कि सदैव हमारी स्थिति इतनी उच्च रहेगी कि बहुत इतनी अच्छी स्थिति रहेगी कि हमें कोई भी बीमारी छू नहीं सकती, या ऐसा उस स्थिति पर आने के लिए बहुत ये चीज। तो ये थोड़ी सी, और दूसरी बात देखिए कि जैसे ही किसी को समझिए होता है, कोई भी, ना ही कोरोना बल्कि कोई भी चीज, तो हम तुरंत जजमेंट करने लग जाते हैं, चलो इसको इसलिए ऐसा हो गया कि इसने ये ऐसा है वैसा, उसकी कमी हम देखने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे सहयोगी हमें वो नहीं देखना है, हमें तो उसके लिए प्रेम से प्रार्थना करनी है, जिसको भी हो गया, जो भी है, वो सब हमारे भाई बहन है, जो भी है, अगर कोई इसकी चपेट में आ गया, हम जानते हैं कि है, तो सब कुछ भूल कर हमें सहज की जो विद्या है, जो प्रार्थना है, जो बंधन है, वो देने चाहिए। तो ये गलत फहमी नहीं पानी चाहिए कि हम अगर सहयोगी हैं तो हमें कुछ नहीं होगा, और ये नहीं, उस मेडिकली जो करना चाहिए वो जरूर अपने ऊपर ध्यान देना है, और जरूरत पड़ने पर सब मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल के जवाब के लिए डॉक्टर साहब। तो हमें ये जरूर केयर करनी है कि जब भी हमें वीकनेस, कमजोरी, गले में खांसी या ऑक्सीजन लेवल कहीं भी कम लगे, दम लगने लगे, तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर उधवानी जी, डॉक्टर प्रकाश राव पानसरे जी और दो तीन डॉक्टर लोग, ये सारे श्री माता जी के सामने 2006-7-8 के दरम्यान प्रतिष्ठान में मौजूद रहते थे। ये शरीर है और शरीर बीमार पड़ सकता है, ये सत्य हमें जानना चाहिए। आइए हम डॉक्टर साहब को अगला सवाल पूछते हैं कि सर, कोरोना किसी को भी न हो, यही दिल में प्रार्थना रखते हुए, लेकिन अगर किसी को हो भी जाता है तो पोस्ट कोरोना के शरीर पर क्या परिणाम होते हैं, ये हमें इसलिए बताएं ताकि हम इतनी सावधानी बरकरार रखें कि ये कोरोना न होने के लिए ज़्यादा प्रयास करेंगे। तो ये पोस्ट कोरोना के इफेक्ट्स क्या है सर? सबसे पहले तो कोरोना कितनी मात्रा में किसके अंदर हुआ है, और उसने कौन सा, उसका पार्ट, शरीर का कौन सा पार्ट पे उसमें हमला किया है, इसके हिसाब से उसके पोस्ट कोरोना सिम्टम्स या जो भी रेसिड्यू चीजें रहेंगी वो बताएगी, वो रहेगी।
सबसे ज्यादा वो लंग्स को अफेक्ट करता है। तो इसमें मोटे तौर पे जैसे वायरस लोड किसी में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होने के कारण समझो उसके लंग्स बहुत ज्यादा डैमेज हो गए हैं, समझिए। तो उसकी जो सांस की तकलीफ है या खांसी की तकलीफ है, दम लेने की, या जो उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन है, ये अगले 1.5 महीने तक भी कम रह सकता है। अगले 1-1.5 महीने तक भी उसको दम लग सकता है, उसको वीकनेस बहुत रह सकती है, क्योंकि मेडिकली तो एक वायरस है, लेकिन अगर हम स्पिरिचुअली देखें तो एक बहुत बड़ी नेगेटिव शक्ति है, बाधा जिसको कह सकते हैं, वो है। वो पूरे तरीके से अंदर पूरा हिलाना हमें जाती है, वो जानती है, पूरे सिस्टम को इन्वॉल्व करती है। तो ये पोस्ट कोरोना में एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे जुड़ जाएगी कि उसके साथ जो मेडिसिन हमको मिलती है वहां पे बड़ी टॉक्सिक होती हैं, और कुछ कुछ ऐसी जगह पर ऐसी जो मेडिसिन यूज की जाती हैं जिन्हें इम्यूनो सप्रेसेंट कहते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट यानी जो इम्यूनिटी को हमारी दबाती है। तो इम्यूनिटी को दबाने वाली दवाएं क्यों लगती है? क्योंकि वायरस के रिएक्शन में हमारी बॉडी कभी कभी ओवर रिएक्ट करती है। ये अभी तक किसी ने जाना नहीं कि जिनको इम्यूनिटी कम है उनको तकलीफ हो रही है कि जिनकी इम्यूनिटी ज्यादा है उनको तकलीफ हो रही है। अभी भी उस पर रिसर्च चल रहा है, क्योंकि जिन लोगों की मृत्यु हुई है या जिनको बहुत ज्यादा दम का शिकायत हुई है या जो भी है, उनके अंदर एक साइटोकाइनिन स्टॉर्म नाम की चीज अंदर होती है जो उनका लंग्स उनको ओवर रिएक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं। जब बहुत ज्यादा रिएक्शन होती है लंग्स में तो क्या होता है कि वो और ज्यादा उसका डैमेज होता है और सांस लेने में और तकलीफ होती है, लंग्स में टिश्यूज में फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। तो जब डॉक्टर लोग ये देखते हैं कि इनके अंदर वो एक टेस्ट रहती है जिसको IL-11 कहते हैं, वो टेस्ट जब देखते हैं कि इसमें उसकी वैल्यू बढ़ रही है और इस आदमी में उस चीज का खतरा है कि इसकी खुद की बॉडी ऑटोइम्यूनिटी जिसको कहते हैं वो करके वो तैयार करेगी उसके अंदर एंटीबॉडी जो खुद के लंग्स पे हमला करेगी, तो उसको इम्यूनिटी दबाने की दवाइयां दी जाती हैं। तो उन दवाइयों का साइड इफेक्ट भी 1-1.5 महीने तक चल सकता है उनकी वजह से, यानी जो मर से ज्यादा दवाई की वजह से भी कभी कभी बाद में उसको रेसिड्यू वीकनेस या बाद में इम्यूनिटी कम हो गई तो बाकी चीजें हमला करने की संभावना उसके अंदर और बढ़ सकती है कि जो चीजें छुपी हुई थी इम्यूनिटी की वजह से दबी हुई थी, इम्यूनिटी सप्रेस हो गई तो उन्होंने सर उठा दिया। तो ये भी चीज इम्पोर्टेंट है कि पोस्ट कोरोना हमारा ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत दिन तक 94-95 रह सकता है, 1-1.5 महीने तक दम तब भी लग सकता है, वीकनेस रह सकती है, दूसरी बीमारियों के हमले के चांसेस तब भी बढ़ सकती है उस 1-1.5 महीने के पीरियड में। तो कोरोना केवल वहीं तक नहीं करता, उसके बाद भी वो अपना इफेक्ट दिखा सकता है, तो इसलिए सावधानी रखनी जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब जी। पोस्ट कोरोना के इतने खतरनाक अगर इफेक्ट्स है तो बिल्कुल यही हमने सतर्कता रखनी है कि ये हम तक छुए ही नहीं। जो लोग मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हैं या पब्लिक सर्विसेज से जुड़े हैं उनको तो लोगों को मिलना ही पड़ता है, उनकी तो केयर चल ही रही है, लेकिन जहां आवश्यकता नहीं है वहां पे बेमतलब हमारा डेरिंग दिखाकर खुद के जीवन को असंतुलन में डालना बिल्कुल गलत है। हम डॉक्टर साहब से आखिरी सवाल करेंगे कि डॉक्टर साहब ये कोरोना न होने के लिए, कि कोरोना हम तक छुए नहीं, इसके लिए क्या सतर्कता रखनी है और सहयोगियों की इस पूरे काल में क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि अगर सतर्कता जी 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 हम ही लोगों को अगर इस तरह से परेशानी आएगी तो लोगों को भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है, तो जीवन का मूल्य बहुत है। तो जरा इस सतर्कता के बारे में
एज अ डॉक्टर करके आप बताए। एज ए डॉक्टर और एज हम सब मार्ग से जानते हैं कि बार बार टीवी पे बताया जाता है, बार बार जो तीन चीजें हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन और मास्क, ये मैं बोलने के लिए मास्क निकाला है, नहीं तो मैं भी, मेरे पास अभी मास्क है, तो मास्क रखना है क्योंकि ये एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। ये न केवल सामने वाले से मुझे बचाएगा, लेकिन अगर किसी कारण से मुझ में इन्फेक्शन है तो मुझसे भी सामने वाले को बचाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया 85% लोग ऐसे हो सकते हैं जिनमें इन्फेक्शन है लेकिन उन्हें भी पता नहीं और किसी को भी पता नहीं, तो उन्हें भी नहीं पता तो वो नेचुरल एकदम बिंदास रहेंगे और सामने वाला भी नहीं कुछ कुछ ये रहेगा। तो इसलिए मास्क बहुत जरूरी है कि जो बोलने से, छींकने से, खांसने से हमारी हमारी छींकने की स्पीड बहुत कई मील प्रति सेकंड रहती है, यहाँ से 1 सेकंड के अंदर वायरस बहुत चला जाने जाने, कोई छींकने खांसने से हमारे अंदर से वायरस जा सकता है, सामने से आ सकता है, तो वो और सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत जरूरी है और सैनिटाइजेशन के हाथ को जितना भी बार हम किसी के भी टच में आए हैं जैसा भी है तो उसको हाथ को हम बार बार, ये मेडिकल एस्पेक्ट हो गया। अब इसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट देखेंगे, जैसे कि आपने कहा कि सहयोगी, एज ए सहयोगी हमारी क्या जिम्मेदारी, एज ए सहयोगी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि सुमाता जी ने हमेशा हमें कहा है कि आपको, आपका जो भी ध्यान है, जो आपका सहयोग है, केवल आप तक सीमित नहीं है, ये इतनी बड़ी, जैसा कि बताया गया कि मेडिकली एक वायरस है लेकिन स्पिरिचुअली एक ये बाधा है, तो हमें इसके लिए जब भी हम एज ए सहयोगी हम मेडिटेशन रोज करते हैं, जो भी सहयोगी है वो सुबह शाम, अभी तो ऑनलाइन चल रहा है, यहाँ जब भी हम करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन या कैसे भी, तो मेडिटेशन के अंत में जरूर इसके लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि सुमाता जी ने स्वयं कई बार कई लेक्चर में कहा है कि मैं निरिष्ठ हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं है, यहाँ तक कि महाकाली पूजा में भी उन्होंने कहा कि महाकाली जी को भी आपको प्रे तो करना पड़ता है, तो हमारे अभी सब और सहयोगों का चित्त या प्रार्थना बहुत इफेक्टिव होती है, तो जब भी हम प्रार्थना करें, जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठे हैं, जब भी ये करें तो जरूर प्रार्थना करें कि ये जो विनाशकाली महामारी है, क्योंकि बहुत सारे इनोसेंट लोग, बहुत सारे लोगों को ये मारती है, और जैसा कि शुरुआत में भी कहा गया कि हम सहयोगी हैं तो ऐसा जरूर है कि हमें नहीं आएगा, अब श्री राम के होते हुए भी श्री लक्ष्मण जी पर आघात हुआ, श्री कृष्ण जी के होते हुए भी अभिमन्यु पर आघात हुआ, तो नेगेटिविटी कहीं से भी आघात कर सकते हैं, लेकिन हमें अपना प्रार्थना हमेशा श्री चरणों पर रखनी है माता जी से, कि एज ए सहयोगी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, न केवल खुद की रक्षा के लिए बल्कि पूरे विश्व की रक्षा के लिए प्रार्थना करें, और खुद के लिए जरूर, खास करके विशुद्धि और राइट हार्ट चक्र पर, हार्ट चक्र सेंट्रल हार्ट पर इम्यूनिटी के लिए, राइट हार्ट चक्र पर लंग्स के लिए, और विशुद्धि क्योंकि यहीं से वो घुसता है, तो इस पर जरूर ध्यान दें। श्री माता जी ने जो बताया है कि घी कपूर हम सोते वक्त जरूर डालें, ये एज ए सहयोगी हमें जरूर करना है, और एक सुबह अगर उठकर ही अगर हम लंबी सांस लेकर और धीरे धीरे जगदम्ब बोलकर छोड़ते हुए जाएं, तो ये श्री माता जी ने बताया कि मिडिल यानी सेंट्रल हार्ट के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे इम्यूनिटी के लिए, तो मेडिकली तो करना ही है जो भी करना है, स्पिरिचुअली भी ये सब चीजें हमें फॉलो करनी है, क्योंकि हमें दोनों फ्रंट पे उससे लड़ना है,
चाहे वो मेडिकल हो चाहे स्पिरिचुअल। थैंक यू डॉक्टर साहब, इतना सुंदर आप यहाँ पर ये जानकारी दी है। तो सभी से ये विनती है कि हो सकता है ये सारी चीज़ें हमें पता है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन आवश्यक है। डॉक्टर उधवानी जी जो है ये केवल डॉक्टर ही नहीं बट एक अच्छे कार्टूनिस्ट है और बड़े सुंदर रचनाएं भी करते हैं, इसलिए मैं उनको हमेशा प्रेम से यही कहता हूँ कि जिनके मुख में जिनके जुबा पर होती है श्री माता जी की अमृतवाणी, ऐसे हमारे डॉक्टर प्रताप उधवानी जी। तो सर मैं एक चार लाइनें सुनाए बिना आपको छोड़ने नहीं वाले, कुछ तो चार लाइनें यहाँ पर होनी चाहिए, अदरवाइज डॉक्टर चार लाइन जी चार लाइन हो जी जाए। चार लाइन सभी के लिए यह है कि हम सब उस युग में उत्थान करना चाहते हैं और हम न केवल एक कोरोना की बाधा, न केवल कोई भी बाधा कोई हम दोषी ठहराते कि हमको लगता है कि मैं तो अच्छा हूं लेकिन मैं सब इन बाधाओं की वजह से नहीं सहयोग में उत्थान कर पा रहा। तो जब आपने चार लाइन की तो अभी जो चार लाइन याद आ रही वो निकली माता जो याद आ रही है, तो कि पूछने पर अपने उत्थान की बाधाओं का राज, श्री माता जी से पूछने पर अपने उत्थान की बाधाओं का राज, श्री माता जी ने मुझे एक चित्र दिया जिसका बड़ा मायना था। पूछने पर अपने उत्थान की बाधाओं का राज, श्री माता जी ने मुझे चित्र दिया जिसका बड़ा मायना था, क्योंकि वो चित्र कोई चित्र नहीं बल्कि एक आईना था। क्या बात है डॉक्टर साहब। तो हम खुद ही अपने लिए बाधा हैं और खुद ही हमें ही अपना अवस्था उत्थान का मार्ग ढूंढना है। तो श्री माता जी से जरूर हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे सब की रक्षा करते करते हम सब भाई बहनों की सहयोगी नाम सहयोगी पूरे विश्व की अभी रक्षा करें इनसे और हमें उत्थान भी प्रदान करें। जय श्री माता जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप अमरावती से अपने क्लिनिक से यहाँ पर हॉस्पिटल से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मैं डॉक्टर विश्वजीत इनसे विनती करूँगा कि डॉक्टर उधवानी साहब ने जो बताया कि हृदय पर हाथ रखकर जगदम्ब कैसे कहा जाता है और सांस को किस तरह से हमने प्रैक्टिस करनी है, तो ये एक प्रैक्टिकल यहाँ पर डॉक्टर विश्वजीत दिखाएंगे जो उधवानी जी ने यहाँ पर आग्रह किया था। उसके बाद डॉक्टर सचिन ढेम से नासिक से तैयार हैं रोग प्रतिरोध शक्ति के बारे में बताने के लिए। डॉक्टर विश्वजीत जी जय श्री माता जी। प्रथम हम सीधे बैठते हैं, दोनों कंधों को पीछे लेते हैं ताकि जो मध्य हृदय पे हमारे प्रेशर आता है बैठने के कारण वो हम थोड़ा सा निकालते हैं, थोड़ा सा हृदय को खोलना है। अब इसमें हम प्रथम जो परम पूज्य श्री माता जी ने अलग अलग अमृतवाणी में जो ब्रीदिंग के टेक्निक्स बताए वो प्रथम करते हैं। आग बंद कर लीजिए, पहले एक लंबा सांस लीजिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए, ऐसा तीन बार करें मध्य हृदय और सहस्रार पे ध्यान देते हुए। ये हुआ तीन बार डीप ब्रीदिंग। अब हम हमारा लेफ्ट हैंड मध्य हृदय पर रखते हैं। अब हम लंबा सांस लेंगे और उस सांस को अंदर रोकेंगे 5 सेकेंड 7 सेकेंड आपकी कैपेसिटी के अनुसार और फिर धीरे धीरे छोड़ देंगे।
वापस एक बार लंबा सांस लीजिए, उसे अंदर रोकिए और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। तीन बार होने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग करें। मध्य हृदय पे और सहस्रार पे ध्यान रखें। जैसे ही मध्य हृदय खुलना शुरू हो जाता है, हृदय के ऊपर जो भी दड़पन या प्रेशर होता है वो निकलता है, हल्कापन महसूस होता है और आत्मविश्वास की अनुभूति आती है। अब हम सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ते वक्त हम श्री जगदम्बा बोलेंगे, 12 बार जगदम्बा बोलेंगे। जगदम्ब 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 जगदम्ब। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके हमारे मध्य हृदय पर श्री जगदम्बा जी की शक्ति जागृत हो जाए, हमें निर्भय बनाइए। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही इस पूरे विश्व की मां हो, हम सभी का संरक्षण करने वाले आप हो, हमें पूर्ण विश्वास और निर्भयता प्रदान करें। धीरे से लेफ्ट हैंड गोद में रखें, मध्य हृदय और सहस्रार पे। इसी अवस्था में हम 1 मिनट ध्यान करेंगे। थैंक यू डॉक्टर विश्वजीत जी। रोग प्रतिरोध शक्ति अगर हमारे शरीर में स्वास्थ्य की नाड़ी कोई है तो लेफ्ट नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, जो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करती है संतुलित तरीके से। हृदय चक्र जो है ये इम्यूनिटी बढ़ाता है और हमारा जो विशुद्धि है, ये विशुद्धि चक्र जितने भी फ्लू का आक्रमण होता है उसको हमारी इतनी जबरदस्त शक्ति बनाए रखता है कि फ्लू का आक्रमण न हो। इसलिए लॉकडाउन के दरम्यान जल नीति करना, यानी गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डालकर अगर हम उस जल को एक नासिका से दूसरे नासिका तक पहुंचाते और निकालते, जल नीति 2.5 मिनट भी नहीं लगते इसको। टीवी पर जो आप टीवी सीरियल देखते हैं या मूवी का ब्रेक होता है उसमें भी ये जलनीति हो सकती है, इतनी सरल तरीका है, लेकिन हम नहीं करते, पता सब कुछ है। या फिर घर पे बाहर पड़ने से पहले दोनों नासिकाओं में घी कपूर एटलीस्ट लगा ले थोड़ा सा, या फिर घर से जैसे ही बाहर से आते हैं तो हम स्टीम जो है स्टीम ले ले, स्टीमर आती है 400-500 रुपये की, दरवाजे के बाजू में लगा के रखे, आते ही हमें ध्यान में रहे बाफ लेने से। तो ये जो विषाणु का आक्रमण नाक या मुंह से होता है तो उसको वहीं से वहीं पे उसी मर्यादा में हम सीमित रख सकते। दरवाजे पे कोई आया और दरवाजा ही नहीं खोला, या दरवाजे में अंदर आते ही अगर कुछ चीज़ को पकड़ लिया तो वैसे होता है। टोल फ्री नंबर है अपनी 1800-270-800। ये नंबर इसलिए नहीं बता रहे सहयोगियों को कि ये नए साधक के लिए, आज इसलिए बता रहे, बहुत सारे सहयोगियों के इस पर कॉल आते हैं फिर, और कहीं ना कहीं इस कोरोना की महामारी से की समस्या में फंस जाते हैं। अगर आपको कहीं पर भी खुद की सेहत के बारे में कोई भी परेशानी आती है
तो जरूर आपके घर के आजू बाजू में जो चार पांच सहयोगी हैं उनके नंबर साथ में रखें, उनको कॉल कीजिए, उनको बताइए कि आज ठीक नहीं लग रहा है, मुझे जरा परम चैतन्य दीजिए। लेकिन उनको जैसे आप बताओगे कि परम चैतन्य देना है यानी बंधन देना है, वैसे ही डॉक्टर को भी कंसल्ट करना है। नहीं तो ये बहाना नहीं है कि अभी उन्होंने वाइब्रेशन दिए तो ठीक हो गए, आजू बाजू के सहयोगियों को बताएं। समस्या बढ़ जाती है तो उसके बाद टोल फ्री पे बताएं, ताकि हम कुछ सहयोगियों को मैसेजेस डाल के एटलीस्ट आपके लिए प्रेयर या बंधन डाल सकते हैं। लेकिन ये कब, ये इसलिए कि जिनकी सेहत बिल्कुल कहीं ना कहीं उनको समस्या के रूप में लग रहा है, ऐसा नहीं कि उठाया टोल फ्री नंबर और घुमा दिया। ये इसलिए बता रहे हैं कि हम होकल नहीं होते, बीमारी दबा के रखते हैं और फिर जब बिल्कुल आखिरी समय आ जाता है तो मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो हमने एक दूसरे का सहारा बनना है। किसी भी सहयोगी, कोई भी आपसे अगर सेहत को लेके कोई कंप्लेंट कर रहा है, उनको गाइड कीजिए कि कौन से अस्पताल में जाना है, कैसे जाना है, और थोड़ा इमरजेंसी के लिए माइंड को भी प्रिपेयर करके रख। डॉक्टर सचिन ढेम से नासिक से जो हमारे साथ में मौजूद हैं, इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने छोटी सी प्रेजेंटेशन रखने वाले हैं। विषय छोटे छोटे, रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने के लिए हमारा संपूर्ण दिनचर्या कैसे होनी चाहिए, हमने कौन सी चीज़ों को ग्रहण करना है आयुर्वेदिक, जिससे हमारी रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ेगी और यही विषाणु नहीं लेकिन आगे भी आने वाले विषाणुओं का सामना करने के लिए हमारा शरीर तैयार रहेगा। डॉक्टर सचिन ढेम से फ्रॉम नासिक। जी आजच्या सत्रामध्ये उपस्थित असलेल्या सर्व सहयोगी साधकांचे स्वागत आहे। आजच्या ह्या सत्रामध्ये आपण जो महत्त्वाचा विषय बघणार आहोत तो प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी आपण काय काय उपाय करायला हवेत। सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे प्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी आपली पचन संस्था, आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम ही चांगली असायला हवी। आपण खाल्लेलं अन्न व्यवस्थित पचतंय का, आपण घेतलेली टॉनिक्स, घेतलेली औषधे व्यवस्थित पचताय का हे बघणं आवश्यक आहे। जर आपली पचन संस्था विकृत आहे, खाल्लेल्या अन्नापासून जर खराब पित्त, वात, कफ तयार होतोय तर आपण आजाराला निमंत्रण देतो। सगळ्यात महत्त्वाचं आयुर्वेदाच्या दृष्टिकोनातून आपण खाल्लेल्या अन्नाचं व्यवस्थित पचन होणं आणि त्यापासून शरीरातले सगळे घटक, रस, रक्त, मांस, मसल्स, मेद, अस्थि म्हणजे हाडं, मज्जा, हे घटक सगळे सुरळीत चांगले तयार होणं, हे जर विकृत पचन झालं तर त्यापासून विकृत खराब असा वात, पित्त आणि कफ तयार होतात आणि त्याच्या अनुषंगाने वाताचे, पित्ताचे किंवा कफाचे विकार निर्माण होतात। तर सर्वात महत्वाचं, आपली प्रतिकार शक्ती जर आपल्याला चांगली ठेवायची आहे तर आपण आपलं पचन सांभाळलं पाहिजे। आपल्याला भूक लागल्यावरच आपण जेवण, नाश्ता किंवा इतर काही गोष्टी घेतल्या पाहिजे। साधारण 7-8 तासाच्या अंतराने आपण जेवण घेतलं पाहिजे। योग्य भूक लागलेली असली तरच जेवण घ्यावं। भूक नसताना जर आपण खाल्लं तर अजीर्ण होईल, त्या अजीर्णातून खराब पित्त तयार होईल, खराब वात किंवा खराब कफ तयार होईल आणि त्यातूनच तशा तशा प्रकारच्या व्याधीची निर्मिती होईल। जर खाल्लेल्या अन्नाचं पचन चांगलं झालं तर त्यापासून शरीरातले जे घटक, शरीर ज्यापासून बनलेलं आहे, हे घटक उत्कृष्ट दर्जाचे तयार होतील आणि आपलं शरीर सुदृढ राहील आणि सुदृढ शरीर असल्यावर कुठल्याही प्रकारचं इन्फेक्शन होऊ द्या, कुठलाही आजार होऊ द्या, आपलं शरीर त्याला फाईट करेल, त्याला विरोध करेल। तर सर्वात महत्वाचं, कुठलंही प्रतिकार शक्तीवर्धक औषध घेण्याच्या आधी आपली पचन संस्था आपण चांगली करणं आवश्यक आहे। आपलं डायजेशन महत्वाचं आहे, त्यासाठी आपली दिनचर्या फार महत्वाची आहे। सकाळी उठल्यापासून तर रात्री झोपेपर्यंतच्या सगळ्या आपल्या सवयी, सर्व गोष्टी आपण अगदी काटेकोरपणे फॉलो करायला हव्यात। प्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी आपण खूप सारे औषधं आयुर्वेदामध्ये सांगितलेली आहेत, त्यामध्ये जसं की च्यवन प्राशावलेय आहे, अगस्ती रसायन आहे,
अमलकी रसायन आहे, गिलोय घनवटी, गुडूची घनवटी आहे, अश्वगंधा घनवटी आहे, इतर पुष्कळ सारे औषधं आहेत. पण ही औषधं घेत असताना सुद्धा आपली डायजेस्टिव्ह सिस्टीम चांगली आहे का हे आपण वेळोवेळी बघायला पाहिजे. नाहीतर ही प्रतिकारशक्तीवर्धक औषधं खाऊन देखील त्याचं जर पचन चांगलं झालं नाही तर त्यातून खराब असे घटक तयार होऊन अजून आपल्याला त्रास होईल. त्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे च्यवनप्राश. पहिलं जे प्रतिकारशक्तीवर्धक औषध आम्ही सुचवू तर ते च्यवनप्राश, जो की सगळीकडे उपलब्ध असतो. वेगवेगळ्या कंपन्यांचे च्यवनप्राश मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत. डाबर आहे, बैद्यनाथ आहे, सांडू आहे, उंजा आहे, किंवा डॉक्टरांनी बनवलेला, वैद्यांनी बनवलेला जर च्यवनप्राश मिळाला तर हा सगळ्यात उत्कृष्ट समजावा. च्यवनप्राश पासून फायदे काय काय आहेत, तर च्यवनप्राशमध्ये सगळ्यात महत्वाचा जो घटक आहे तो म्हणजे आवळा. व्हिटॅमिन सी ज्याचा मेन कंटेंट आहे, मेन घटक आहे, याच्यामुळे आपल्या शरीरातले तीनही दोष, वात, पित्त, कफ हे संतुलनात राहतात, त्यांची निर्मिती चांगली होते आणि त्याच्यापासून शरीरातल्या घटकांची रस, जसं प्लाझ्मा, रक्त, ब्लड, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा हे सगळे घटक चांगले तयार होतात. लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांना हे रसायन किंवा हे औषध फायद्याचं आहे. लहान मुलांसाठी कमी मात्रेत आणि मोठ्यांसाठी मात्रा थोडी जास्त घ्यावी. सुरुवातीला आपण कमी मात्रेत चालू करावं आणि पचायला व्यवस्थित लागलं की नंतर मग त्याची मात्रा हळूहळू वाढवत जावी. साधारण अर्धा ते एक चमच्यापर्यंत आपण रोज सकाळी उपाशी पोटी च्यवनप्राश घेऊ शकतो आणि च्यवनप्राश खाल्ल्यानंतर अर्ध्या तासाने त्यावरती जर आपण दूध घेतलं तर त्याचं कार्य चांगलं होतं. च्यवनप्राश हा आपल्या शरीरातले जे खराब घटक आहे, जे टॉक्सिन्स आहे, त्या टॉक्सिन्सला पण बाहेर काढतं, आपले पित्ताचे विकार कमी करतं, ब्लड सर्क्युलेशन चांगलं करतं. आताच्या घडीला आपण बघतो बऱ्याच जणांना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल वाढलेलं सापडतं. कोलेस्ट्रॉलची लेव्हल सुद्धा च्यवनप्राश नॉर्मल करतं. च्यवनप्राश मध्ये आवळ्यासोबत 35 ते 36 इतर आयुर्वेदिक जडीबुटी आहेत. हे जडीबुटींचं कार्य ह्या शरीरातल्या वात, पित्त आणि कफ या तिन्ही दोषांना प्राकृत अवस्थेत ठेवणं हे आहे. च्यवन नावाचे जे ऋषी होते त्या ऋषींनी ह्या औषधाचं सेवन केलेलं आणि त्यांना वार्धक्य अवस्था आलेली होती तर त्यांना यवन अवस्था प्राप्त झालेली, असं ह्या च्यवनप्राशचं एवढं उत्कृष्ट फायदा आहे, कार्य आहे. तर आपण अवश्य आत्ताच्या कंडिशनमध्ये थंडीचा ऋतू आहे याच्यामध्ये आपण च्यवनप्राश अवश्य चालू करावा. च्यवनप्राश का ये जो वर्णन है जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, तो ये च्यवनप्राश किस तरह से ग्रहण करना है इसको हम जब हिंदी में कंक्लूड करेंगे, लेकिन ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर डॉक्टर सचिन हमें प्रदान कर रहे हैं. आगे रोग प्रतिरोध शक्ति बढ़ाने के लिए और क्या चीजें हम डेली ग्रहण कर सकते हैं डॉक्टर सचिन? कफ बाहर ना निकलने से सांस लेने में तकलीफ होती है और धीरे धीरे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता है, तो इसके लिए भी च्यवनप्राश का बहुत अच्छा फायदा है. च्यवनप्राश कैसा लेना है, तो सुबह खाली पेट जब हमारा पेट क्लियर होता है, साफ होता है, ये होने के बाद हम सुबह शुरू में कम मात्रा में शुरुआत करें, जैसे आधा चम्मच, बच्चों के लिए उससे भी कम मात्रा खाली पेट लेना है. और वो लेने के बाद आधा घंटे के बाद दूध लेना है तो उससे बहुत अच्छा फायदा होता है. वो हजम होने के बाद ही हम नाश्ता कर सकते हैं या खाना खा सकते हैं. उसके बाद च्यवनप्राश के सिवा और ऐसी कुछ दवा है जैसे गिलो या गुडूची, ये भी सारी जगह पे मिलती है. ये जो दवा है उसका संस्कृत में नाम अमृता है. अमृता मतलब
वो अमृत जैसा काम करती है। उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्य है गुरु जी का, वो इम्यूनो बूस्टर है, उसके साथ वो ज्वरनाशक है, हमारा बुखार कम करती है। उसकी एक प्रॉपर्टी एंटीऑक्सीडेंट भी है। वात पित्त कफ, ये तीनों दोषों को वो संतुलन में रखती है। तो हम गुड़ुची की गोली आती है, गुड़ुची घनवटी मिलती है, गिलोय घनवटी मिलती है, गिलोय का चूर्ण मिलता है, या जो गिलोय का काढ़ा भी आता है, गिलोय रस नामक मिलता है, या गिलोय से बना हुआ अमृतारिष्ट नामक एक दवा आयुर्वेद में बताई है, वो दवा भी हम ले सकते हैं। अगर गोली लेनी है तो सुबह शाम एक एक गोली, या चूर्ण लेना है तो आधा चम्मच चूर्ण हम गुनगुने पानी के साथ ले सकते हैं। उसके साथ गिलोय का जो इस्तेमाल है हम दूध के साथ भी कर सकते हैं। जैसे गिलोय का चूर्ण आधा चम्मच, एक कप दूध, एक कप पानी में उबाल कर अगर हम लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रसायन, बहुत अच्छा एज अ इम्यून बूस्टर जैसा काम करता है। उसके साथ हम अगस्त्य रसायन है, अमल की रसायन है, ये भी ले सकते हैं। ये भी सांस, खांसी, जुकाम, इसमें बहुत अच्छा काम करता है, पुराने खांसी में काम करता है। ये दवा के साथ आयुर्वेद में कई सुवर्णयुक्त दवा बताई है, जैसे वसंत कुसुमाकर रस है, सुवर्ण मालिनी वसंत है, या सुवर्ण से सिद्ध किया हुआ जल भी हम ले सकते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली है, थोड़ा इकोनॉमिकल है, लेकिन जिनको ये लेना पॉसिबल है वो ले सकते हैं। उसके साथ इस मौसम में, सर्दी के मौसम में खास करके बच्चों को हमेशा खांसी जुकाम होता है, तो उसके लिए हम घर में, हमारे घर में जैसे सीतोपालादि चूर्ण, तालेसादि चूर्ण हमेशा के लिए रख सकते हैं। अगर बच्चों को खांसी जुकाम या बड़े लोगों को भी होती है तो हम वो थोड़ी कम मात्रा में शहद के साथ अगर खिलाते हैं तो उससे बहुत तुरंत आराम मिलता है। हमें तुरंत मेडिकल के कुछ एंटीबायोटिक्स, कुछ दवा लेने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। तो हम घर पे जैसे सीतोपालादि चूर्ण, तालेसादि चूर्ण रख सकते हैं, महास्वरशन काढ़ा, अमृतारिष्ट, ये दवा भी घर पे रख सकते हैं, इसका भी बहुत अच्छा फायदा है। शेवटी सर्वात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला जी प्रतिकार शक्ती वाढवायची आहे ती फक्त कोविडला फाईट करण्यासाठी नव्हे तर यानंतरही कित्येक व्हायरस येऊ द्यात, कुठलेही इन्फेक्शन होऊ द्या, त्या इन्फेक्शनला आपल्या शरीरानं सहजपणे विरोध करावा, आपल्या शरीरानं फाईट करावी आणि आपण सुदृढ राहावं, सक्षम राहावं, जेणेकरून आपल्या शरीरातच ह्या व्याधीला फाईट करण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार होतील, ना की आपल्याला वारंवार कुठल्या औषधांची, कुठल्या चिकित्सेची गरज पडेल। म्हणून आपण सर्वांनी अवश्य आपली प्रतिकार शक्ती चांगली राहण्यासाठी आपला अग्नी सांभाळा, आपली पचन शक्ती सांभाळा, तरच आपण ही प्रतिकार शक्तीवर्धक घेतलेली औषधं, टॉनिक्स, ती लागू पडतील। अन्यथा आपण किती पण भारी औषधं खाल्ली, सोनं खाल्लं किंवा अगदी हिऱ्याचं भस्म देखील खाल्लं आणि आपला अग्नीच जर विकृत असला तर हे खाल्लेलं व्यवस्थित अंगी लागणार नाही। आपण अगदी काजू, बदाम, अक्रोड, पिस्ता जरी खाल्ला तरी त्याचा विशेष फायदा होणार नाही। म्हणून सर्वात महत्वाचं आपली पचनशक्ती सुदृढ करा आणि त्यासोबत वरती सांगितलेल्या औषधांचा योग्य प्रकारे वापर करा। शक्य होईल तेवढं आपण डॉक्टरांच्या सल्ल्यानं हे औषधं घेणं, टॉनिक्स घेणं अपेक्षित आहे। या ठिकाणी आपली, आपल्या शरीराचं बल, त्याचाही विचार असतो, ऋतूचा पण विचार असतो, इतर अनेक गोष्टींचा विचार असतो। म्हणून अवश्य शक्य झाल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यानुसार ही प्रतिकारशक्ती वर्धक औषधं चालू करा।
जयेश्वरी माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सचिन जी। डॉक्टर ढेमसे जी निफाड़ नासिक यहाँ पर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं और टोल फ्री नंबर की जो टीम काम करती है और जहाँ पर भी कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसमें मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है तो अपना समय डेली वो निकालते हैं एक आध घंटा और उस वक्त ये सारे कॉल खुद टोल फ्री से जो फॉरवर्ड होते हैं उसके जवाब देते। डॉक्टर साहब ने कुछ चीज़ें मराठी में भी बोली थी तो मैं यहाँ पर डॉक्टर विश्वजीत जी जो भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उनसे विनती करूँगा कि ये सारी बातें एक बार समअप करें और उसके बाद हम कुछ प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे दो दो मिनटों के जिससे इस महामारी को किस तरह से हम फेस कर सके। डॉक्टर विश्वजीत जी जय श्री माता जी। अभी जो सचिन जी ने बताया था उसमें सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने जो बताई बात है वो है हमारे शरीर के अंदर का अग्नि जिसे हम जठर अग्नि बोलते हैं और आयुर्वेद में स्पष्ट बताया है रोगाः सर्वेऽपि मन्दाग्नौ। अग्नि मंद हो गया, कम हो गया, डाइजेस्टिव पावर वीक हो गई, खाना कन्वर्ट करने की पावर वीक हो गई तो कौन से भी रोग आपको हो सकते हैं। इसीलिए यह अग्नि को सुधारने के लिए जो भी अति खाना, कम खाना, समय पर नहीं खाना या ये जो हम असंतुलन करते हैं इसे बंद करना है तो इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। अग्नि का मतलब जो सिर्फ जो हमारी लीवर की हीट बढ़ने के बाद जो हमें परेशानी आती है वो वाला नहीं, संतुलित अग्नि। बाकी का तो सचिन जी ने अभी हमको सारा एक्सप्लेन किया है जो कौन से आप टैबलेट्स आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ले सकते हैं आप और च्यवनप्राश का भी उल्लेख किया है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट दो तीन चीज़ जो श्री माता जी को अपेक्षित है सहयोगियों से और इस काल में जो ज़रूरी है वो सबसे पहली बात है पहले हमारा आत्मविश्वास। किसका विश्वास? आत्मा का विश्वास। और जो आत्मा हमारे अंदर है जो परमात्मा का अंश है और वही आत्मा समझने के लिए परम पूज्य श्री माता जी ने आत्म साक्षात्कार हमें दिया है और इसे ही हम सेल्फ कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस कहते हैं। काफ़ी बार ऐसा भी देखने मिलता है कि हुआ कुछ नहीं है सिर्फ कॉन्फिडेंस चला गया है और कॉन्फिडेंस नहीं हो तो कोरोना क्या और भी कुछ भी हुआ है ऐसा लग सकता है। इसीलिए पहले कॉन्फिडेंस लाइए, खुद में भी लाइए, परिवार में भी लाइए और इसके लिए आप सहयोग ध्यान तरीका ज़रूर अपनाइए अर्थात सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट। लेफ्ट साइड की जो सारी परेशानियां हैं जिसमें सारे वायरस एंटर करते हैं ये श्री माता जी ने पहले ही बता चुके हैं और इसके लिए लेफ्ट नाड़ी को संतुलन रखने के लिए अग्नि तत्व का उपचार आप ज़रूर बीच बीच में करते रहे। दोनों तरीके का यानी दोनों हथेली पर सम चैतन्य संतुलन अवस्था विचारों में निर्विचार अवस्था ये प्राप्त होती है या नहीं इसे देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए संतुलन और घर से बाहर जाते वक्त अच्छी तरह से प्रॉपरली समझ के अनुभव करते करके आपको बंधन लेना बहुत ज़रूरी है। और दो लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपका मध्य हृदय है जो श्री माता जी कहते हैं और मेडिकल साइंस भी कहता है टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स जो हमारी प्रतिकार क्षमता है वो बढ़ने के लिए प्रथम आपका हृदय पे निर्भयता प्रदान होने तक आप वहाँ पे बैठिए ध्यान की अवस्था में और जब तक आपको लगता नहीं हाँ मैं पूरा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ आत्मविश्वास मेरा बढ़ चुका है संतुलन और शांति मेरे अंदर आ गई है ये आप उसे प्रस्थापित करने के पीछे लगना ज़रूरी है। विशुद्धि चक्र को भी ठीक रखना और जो श्री माता जी ने अभी जो डॉक्टर साहब ने भी उसका जिक्र किया ऐसा ये घी कपूर का ट्रीटमेंट जो दो दो बूंद नाक में छोड़ना होता है अल्टरनेट डे या जो भी आपके कन्वीनियंस के हिसाब से उसे बिल्कुल भूलना नहीं है। और हम तो स्टीम लेते ही है लेकिन श्री माता जी ने और जो एक दो रेफरेंस दिए उसमें अजवाइन की धुनी उसकी भी कृति अभी स्वप्निल जी आपको वीडियो लगा के दिखाने वाले हैं और उसके साथ जलनेति का भी वीडियो हम अभी देखेंगे जो आप ज़रूर इस महामारी के समय में खुद को प्रैक्टिकली बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल
कर सकते हैं। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विश्वजीत जी। अभी हम पहले जानते हैं कि ये विषाणु का आक्रमण जहाँ से होता है, इसका प्रवेश द्वार है हमारा नाक और हमारा मुख, वहाँ पर यह अजवाइन की धुनी कैसे ली जाती है, ये हम पहले समझेंगे। बहुत सरल तरीका है, पहले अच्छे से देख लीजिए। इस वीडियो को नहीं समझ में आया तो आप दोबारा इस YouTube लिंक पर जाकर इसी समय पर आप वापस देख सकते हैं, या लर्निंग से अजवा यूट्यूब चैनल पर भी ये अवेलेबल है, अजवाइन धुनी और जल नीति। कुछ ही मिनटों की यह क्रिया है, लेकिन यह करनी आवश्यक है। आइए देखते हैं अजवाइन धुनी कैसे लेते हैं। जय श्री माता जी। अभी हम अजवाइन की धुनी कैसे लेते ऐसे देखेंगे। उसके लिए पहले तवा लेना है और उसे अच्छी तरह से गरम करना है, और बाजू के डिश में आपको अजवाइन दिखेगा। अब अच्छा गरम हुआ तवे पे आपको थोड़ा सा अजवाइन उस पर डालना है। थोड़ा सा अजवाइन डालने के बाद तुरंत उसमें से सफ़ेद धुआं आना शुरू हो जाता है। ये सफ़ेद धुआं लेना बहुत ज़रूरी है, नाक से इसको अंदर खींचना है। ये थोड़ा सा तीखा रहता है, इसलिए थोड़ा सा शांतिपूर्वक करना ज़रूरी है। नाक से, मुंह से भी आप इसको थोड़ा खींच सकते हैं, विशुद्धि के लिए, हंसा के लिए, आज्ञा के लिए, साइनस के लिए, कफ के लिए, ये सब के लिए ये काम आता है। तो जैसे ही अजवाइन काला हो जाता है तो वो धुआं लेना नहीं है, उसको आपको निकाल देना है। निकालने के बाद आपको तुरंत दूसरा अजवाइन लेना है। काला अजवाइन का धुआं बिल्कुल लेना नहीं है, तो काफ़ी सारे इन्फेक्शन, सर्दी, कफ, ये सब में, और जकड़ी हुई सर्दी हो तो ये ज़रूर आप करें। जय श्री माता जी। वी हैव टू पुट अजवाइन ऑन द हॉट पैन एंड स्लोली यू हैव टू स्मेल इट। द वाइट स्मोक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट द ब्लैक वन। एज सून एज द अजवाइन गेट्स ब्लैक यू हैव टू रिमूव इट विथ ए क्लॉथ एंड अगेन टेक अनदर न्यू अजवाइन। It is very good for the hamsa, the agya, the cough and cold and nose infection and throat infection, and also good for the heaviness of head due to cough. So this has to be repeated 3 to 4 times before you go to sleep. So only you have to be careful with the children, but the elder people can do it nicely. ये सब आप छोटे बच्चों से बड़े बच्चों तक दे सकते हैं, लेकिन बच्चों के वक्त थोड़ा सा सावधान रह के करना पड़ेगा आपको। या रूम में सिर्फ अजवाइन की धुनी घुमा सकते हैं, सिर्फ प्लेन अजवाइन, कपूर नहीं। तो ये आपके बहुत अच्छा ट्रीटमेंट परम पूज्य श्री माता जी ने बोला है। जब भी आपको घी कपूर ज़्यादा हो जाता है सर में कभी कभार, तभी वो निकालने के लिए भी आप अजवाइन यूज़ कर सकते हैं। व्हेनेवर देयर इज़, इफ़ यू पुट घी कैम्फर इन द नोज एंड यू गेट कोल्ड, देन ऑल्सो यू कैन यूज़ दिस प्लेन अजवाइन धुनी टू रिमूव द हैवीनेस कॉज ड्यू टू द घी कैम्फर ट्रीटमेंट ऑल्सो। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू श्री माता जी, शी हैज शोन अस दिस ब्यूटिफुल ट्रीटमेंट। In this, it's also good to remove the virus, bacteria, colonies deposited in the nose, and thereby we get ill. So thank you, Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Thank you, Dr. Sir. Jai Shri Mataji. अभी हम देखते हैं जल नीति। जल नीति जो है, इसके लिए कुछ साहित्य लगता है, इसे आप अच्छे से देख ले। और ये छोटा सा जो पात्र है, ये हमें मेडिकल शॉप में मिल जाता है, बाजू के मेडिकल शॉप से खरीद लीजिए, या फिर
जलनेति पात्र अमेज़न या किसी भी शॉपिंग पोर्टल पर अवेलेबल है। सर्वप्रथम देखते हैं कैसे करते हैं जलनेति। परम पूज्य श्री माता जी का जो रेफरेंस हमें मिला है जिसमें नेति करना चाहिए, जलनेति, जिसमें जो हमारे नाक में से काफ़ी बैक्टीरिया वायरस के एंट्री होके हमें इन्फेक्शंस होते हैं, वो क्लियर करने के लिए ये विशुद्ध चक्र, हंस चक्र शुद्ध होना ज़रूरी है। तो ये कैसे करना है हम एक बार देख लेते हैं। गुनगुना पानी लिया है एक ग्लास में, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और इसको अच्छी तरह से डिजॉल्व किया है, पिलाया है। ऐसे ये जलनेति पात्र होता है जिसमें हमें पानी डालना होता है। तो यहाँ से ये पानी आता है। अभी मैं ये लेफ्ट नाक को लगाऊंगा और थोड़ा सा गर्दन को तिरछी करूंगा, तो ये पानी यहाँ से आता है और राइट साइड से निकल के शुद्ध होके यहाँ अशुद्धि सारी निकाल देता है। ये देखिए, और मुंह खुला रखना है, सांस मुंह से लेना है। वैसे ही ऑपोजिट साइड से भी आप कर सकते हैं। और ये फिर पानी पूरा निकल जाता है और सांस भी अच्छी खुल जाती है और विशुद्धि के लिए और ये जो सारे जो इन्फेक्शन है उसमें ये अच्छा फायदा करता है। जय श्री माता जी। दिखने में जलनेति आसान है और करने में भी, हो सकता है पहले एक दो बार नहीं जमेगा, हमें भी नहीं आया था, लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए। और ये जितने भी आज हमने प्रक्रिया सीखी है ये श्री माता जी ने बताई हुई है, उनके भाषणों का आधार लिया गया है। सबसे पहले एक बता दे, क्रिकेट की मैच देखने से कोई क्रिकेट का बड़ा खिलाड़ी नहीं बनता, या दूसरों को स्विमिंग पूल में तैरते हुए देखने से खुद आप तैरना नहीं सीख सकते, खुद करना पड़ेगा। तो ये सेमिनार देखने से, जलनेति देखने से, या अजवाइन की ट्रीटमेंट देखने से, च्यवनप्राश के चित्र देखने से हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होगा। इसे ग्रहण करना पड़ेगा और खुद करना होगा। ऐसा नहीं है कि मेरी बीबी जलनेति करती है या मेरे हस्बैंड जलनेति करते हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं होगा, ये खुद करना होगा। क्योंकि जो कोरोना आता है उसको एक ही पता है, उसके लिए हर कोई टारगेट है, जो आएगा उसको वो पकड़ेगा। सचिन कापड़नी जी जो नासिक के सहयोगी हैं, कोविड हॉस्पिटल के एक जगह पर इंचार्ज है, और उनको हमने पूछा कि ये सारे मामलों के बारे में एक आम आदमी के तौर पर हमारी क्या योजना होनी चाहिए कि इसका हमारे साथ कोई मुलाकात ना हो कोरोना की। तो उनका एक ही कहना था, दरवाजे के बाहर जब भी हम पढ़ रहे हैं तो हमारी मीटिंग विद कोरोना इज फिक्स। दरवाजे के बाहर जाते ही, या बाहर के हमारे घर के दरवाजे से अंदर कोई आ रहा है मिलने, तो मीटिंग विद कोरोना इज फिक्स, कोरोना से मुलाकात तय है। लेकिन जैसे हम घर में आते हैं, स्टीम ले लीजिए, सबसे पहले अच्छे गर्म पानी से नहा लीजिए, सारे कपड़े जो है ये वॉशिंग मशीन में चले जाने चाहिए धोने के लिए, उसके बाद स्टीम ले लीजिए, सहयोगी के तौर पर जलक्रिया कीजिए, उसके बाद ही हमने सारा कुछ काम करना है। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम हमारे जिंदगी के साथ, जीवन के साथ, हमारे घर परिवार के साथ, दूसरे सहयोगियों के साथ हम खुद खेल रचा रहे हैं। बहुत ही हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक निवेदन है, ये जीवन महत्वपूर्ण है, ये जीवन दोबारा नहीं आने वाला, ये शरीर, ये नाम, श्री माता जी के साथ इस पृथ्वी तल पर कार्य करने का ये मौका, ये पुनः नहीं है। इसे आप लास्ट वार्निंग
पीरियड ऑफ लास्ट जजमेंट चल रही है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। आखिर में जैसे 6:30 बजे हम सत्र हमेशा खत्म करते हैं, तो आखिर में क्या करते हैं, दोनों हाथ ऐसे श्री माता जी की प्रतिमा की ओर करते हैं इस तरह से वाइड, दोनों हाथ इस तरह से श्री माता जी की प्रतिमा की ओर, और खुद को सवाल पूछते हैं, श्री माता जी मेरे दोनों नाड़ियों में जो असंतुलन है, मेरे चक्रों की जो स्थिति है, मुझे मेरे फिंगर टिप्स से बताएं, जो हमारे उंगलियों के जो अग्रभाग है उस पर जो भी बर्निंग टिंगलिंग सेंसेशन आ रहा है उसकी ओर अभी हम ध्यान देंगे। दिस इज द लास्ट प्रैक्टिस ऑफ दिस सेशन। श्री माताजी आमच्या बोटाच्या अग्रभागावरती आमच्या चक्रांची स्थिती त्याची आम्हाला जाणीव करून द्या। जो भी सेंसेशन आ रहे हैं, जो सेंसेशन आते हैं उसको अभी फॉलो करना है। ये दिन में शाम के ध्यान के बाद एक बार तो करना बहुत आवश्यक है, सारा दिनचर्या खत्म होने के बाद, तब पता चलेगा कि हमारे चक्रों की परिस्थिति क्या। अगर लेफ्ट वीक है तो राइट को उठाइए और लेफ्ट में डालिए, लेफ्ट वीक है तो राइट को उठाए लेफ्ट में डाले, यानी लेफ्ट में वाइब्रेशंस कम है तो हम राइट से डाल रहे हैं, करके देखिए, देखने से कुछ नहीं होगा। कितनी बार करना है, वाइब्रेशंस ठंडे होने तक, 7, 11, 21, ये सारे केवल आंकड़े हैं। हृदय से करें, प्रेम से करें। पुनः देखें क्या मेरे लेफ्ट के वाइब्रेशंस बढ़ गए, फिर भी अगर नहीं आ रहे वाइब्रेशंस, समझ लीजिए सतर्कता जरूरी है। तुरंत कैंडल लेके 2-3 मिनटों के लिए अग्नि के ऊपर हाथ रखिए और हमारी लेफ्ट जो है इसे क्लियर करें, क्योंकि स्वास्थ्य की नाड़ी है, अगर ये असंतुलित रही तो हमला होने वाला है। राइट चैनल, अगर राइट में वाइब्रेशंस कम है तो लेफ्ट से उठाए राइट में डालें, लेफ्ट को उठाए राइट में डालें। पुनः देखें, दोनों हाथों से अगर ठंडक आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रही है तो आइस पैक कीजिए, जलक्रिया कीजिए, दोनों हाथों में इक्वल वाइब्रेशंस के ऊपर कार्य करना आवश्यक। अभी चक्रों की ओर जाना है, क्या मेरा लेफ्ट स्वाधिष्ठान लग रहा है, क्या मेरा हार्ट लग रहा है, क्या मेरी विशुद्धि लग रही है। अगर लेफ्ट स्वाधिष्ठान लग रहा है तो लेफ्ट स्वाधिष्ठान पे हाथ रखे या गोलाकार क्लॉकवाइज वाइब्रेशन, उजव्या हाताने स्वाधिष्ठानाला घड्याळाच्या काटेच्या दिशेप्रमाणे गोलाकार बंधन दीजिए। श्री माताजी हमारा स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध कीजिए। लेफ्ट की ओर कर रहे तो लेफ्ट के लिए प्रार्थना करें, श्री माता जी हमारा लेफ्ट स्वाधिष्ठान चक्र शुद्ध कीजिए। चिंता ए विचार सता रहे तो लीवर को वाइब्रेशन दीजिए, श्री माता जी हमारा चित्त शुद्ध कीजिए, हमारे चित्त को शीतलता प्रदान करें। पुनः देखना है क्या मेरे स्वाधिष्ठान यानी अंगूठे के ऊपर जो टिंगलिंग सेंसेशन है उस पे कुछ बदलाव आया है। अभी हृदय चक्र की ओर, हृदय चक्र अभी डॉक्टर साहब ने जगदम करके यहां पर हमने मंत्रोच्चार किया था, गोलाकार क्लॉकवाइज हृदय चक्राला बंधन दिया, क्या अंदर से ठंडा लग रहा है,
हाथ को सामने रखें। कोई बहुत बड़ी समस्या आती है उसके बाद हार्ट के सामने थोड़ी दूरी पे हाथ रख के वाइब्रेशन देने के लिए भी कहा है श्री माता ने, ठीक है। सेम विशुद्धि के बारे में, विशुद्धि को भी राइट लेफ्ट सेंटर को बंधन देना है। और याद रखें ये बाजू में जो ये विराट चार्ट दिखाई दे रहा, तो हमारा मूलाधार यहाँ पर इंडिकेट होता है, स्वादिष्ठान जो है ये अंगूठे के ऊपर है, नाभि चक्र जो है बीच वाली उंगली, ये हमारी लास्ट वाली उंगली हृदय चक्र दर्शाती है, विशुद्धि यहाँ पर है दूसरी उंगली पर, और आज्ञा चक्र जो है ये सेकंड लास्ट उंगली पर। अगर आपको ये हमारे हार्ट चक्र है यहाँ पर कुछ पेन महसूस हो रहा है, तो क्या ये फिजिकल पेन है या चक्र का पेन है, हाथों से देखना है। विशुद्धि जो हमारी विशुद्धि, थोड़ा सा विशुद्धि चक्र जो है हमें यहाँ पर कुछ खराश हो रही है, जो डॉक्टर साहब ने जो बताया, चक्रों की पोजिशन देखना आवश्यक है। लेकिन ये नहीं कि हमने चक्र क्लियर कर दिए तो सब कुछ ये होगा, हमें इनको बार बार देखना होगा। बार बार अगर हृदय चक्र विशुद्धि चक्र पे या लेफ्ट चैनल में कमी महसूस हो रही है तो समझ लीजिए कि सेहत में गड़बड़ है। हम क्या करते हैं कि हम सहयोगी है हमें कुछ नहीं होगा, तो फिर मुझे ये बताइए आप सहयोगी हो खाना मत खाइए, आप सहयोगी हो नदी समुंदर पे सीधे चलते हुए जाइए, हम सहयोगी है हम एक्सप्रेस हाईवे पे खड़े रहेंगे, हाईवे पे खड़े रहेंगे सीधा चलते जाएंगे, ट्रक वग हमारे हमें कुछ नहीं करेगा। ये पृथ्वी तल पर परमात्मा भी जब आए तो उन्होंने यहाँ के कायदे कानून का पालन किया। प्रभु श्री राम जी चाहते तो रावण को एक क्षण में जाकर वहां पे मार सकते थे, भगवान कृष्ण भी संपूर्ण महाभारत एक क्षण में समाप्त कर सकते थे सुदर्शन शक्ति से, लेकिन हर चीज को की जो ग्रोथ होती है वो एक निसर्ग रचित होती है। पेड़ भी एक रात में नहीं बढ़ जाता, एक रात में गिर नहीं जाता, एक प्रक्रिया है। तो निसर्ग का एक कानून है, इस पृथ्वी तल का एक कानून है। तो श्री माता ने हमेशा कहा था जिस भी प्रदेश में रहते वहां का कानून का भी पालन करना। तो ये शरीर है, शरीर नहीं तो कुंडलिनी भी कैसे जागृत होगी। कुंडलिनी के जागरण के लिए, ध्यान के लिए शरीर की आवश्यकता है। घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें बिगड़ गई तो हमारे पास सारे संसाधन है, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट सिस्टम है, सर्विस सेंटर है, सब कुछ ठीक कर लेते। लेकिन शरीर के लिए कुछ हुआ तो हम बड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं। हाँ माँ ने कहा है इंश्योरेंस नहीं करना है, लेकिन भाई क्या जेब में पैसे है उतने, 2-1 हजार रुपये में कोविडशील्ड कोरोना की इंश्योरेंस मिल जाती है। बिल 4-5 लाख आएगा तो दूसरों के यहाँ पे हाथ फैलाएंगे, गाड़ी में डीजल पेट्रोल मोबाइल की आपकी खुद की कीमत, मोबाइल का रिचार्ज, इसकी कीमतें देखिए, कहाँ 1-2 हजार रुपये का इंश्योरेंस। ये करना आवश्यक है क्योंकि अभी ये कलयुग है और कलयुग के नियम भगवान कृष्ण जी के जमाने में या प्रभु श्री राम जी के जमाने में इंश्योरेंस वगैरह थे क्या डॉक्टर साहब? शायद नहीं। ये आज के नियम, अगर फिर आज के कानून के हिसाब से अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हो, उस वक्त तो नहीं थे, नहीं तो वो मोबाइल के ऊपर ही हमने ऐसे लाइव कर दिया होता था महाभारत और धृतराष्ट्र जी घर पर बैठ कर सुन सकते थे, है ना। तो आज के जो नियम है उनको हमें पालन करना होगा। अगर कोई बात कड़वी लगी है तो कृपया क्षमा कर दे, लेकिन आज का सत्र इसीलिए रखा गया कि कोई भी हमारा भाई बहन व्यथा में न हो, द्विधा में न हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो। तकलीफ है टोल फ्री नंबर सहयोगियों के लिए ही है, 1-800-270-800। कल का जो सत्र होगा ठीक 5 बजे, पहले 15-20 मिनट हम ध्यान करेंगे, आज हमारे 5-1 मिनट वेस्ट हुए थे टेक्निकल समस्या के कारण। और कल डॉक्टर प्रकाश पानसरे जी, श्रीमती डॉक्टर पानसरे जी, ये दोनों डॉक्टर प्रकाश जी जिन्होंने प्रकाशित वैद्य शास्त्र ये बुक अने मेडिकल साइंस एनलाइटन डॉक्टर यूसी राय जी का इसको ट्रांसलेट किया था, और श्री माता जी के साथ जब यहाँ पर जो डॉक्टर्स रहते थे उनकी जो टीम होती थी, डॉक्टर उधवानी जी, पानसरे जी, तो ये सारे लोग यहाँ पर रहते थे, ये अनुभवी लोग हैं, ये डेली कुछ ना कुछ पेशेंट को देखते हैं और सहजों के हिसाब से हर चीज़ जानते हैं। तो ये मौजूद रहेंगे, डॉक्टर विश्वजीत भी रहेंगे। विश्वजीत जी एनीथिंग लास्ट टू से? तो आप सभी भाई बहनों को बहुत हृदय से नमन। कल बिल्कुल हम मिलेंगे, इसी सत्र का दूसरा हिस्सा होगा, लेकिन कल हम इनिशियल मेडिटेशन के बजे हम जल क्रिया करने वाले, सामूहिक जल क्रिया। हर रविवार को नए साधक जो होते हैं इनको
5 बजे के सत्र में रविवार को सामूहिक जल क्रिया की जाती। तो आप घर पर बैठ के अपने जल क्रिया के पात्र साथ में रखना और ये हमें करना है, कैंडल भी साथ में रखना है। सो जल क्रिया की विधि, कैंडल ट्रीटमेंट, और उसके बाद हम इसी विषय के ऊपर और मार्गदर्शन ग्रहण करने वाले। चैट बॉक्स खुली है, 1-2-3 मिनट का म्यूजिक हम जरूर लगाएंगे। आज का सत्र आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो गुड, बहुत अच्छा लगा तो बेस्ट, बिल्कुल ठीक नहीं लगा नो, वेरी बैड, ऐसा जो लिखना है जरूर लिखे। आप सभी भाई बहनों को श्री माता जी के प्रतिष्ठान से प्यार भरा नमन। श्री माता जी आप कर्ता कर्विता हो, आपको नमन करते हुए इस सत्र में यहीं पर विराम लेते। थैंक यू सो मच। जय श्री माता जी।